मौजूद हैं सोनियाबेर थाने में। उत्तरी पूर्वी जिले का ये सोनियाबेर थाना है। दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इस समय जो लॉकडाउन का पोजीशन है, जिस समय मोदी जी ने ये लॉकडाउन किया है 21 दिनों के लिए, इसमें दिल्ली पुलिस किस तरह से मजलूम लोगों के लिए काम कर रही है। ऐसे कुछ लोग दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं जिनको जो सुबह कमाते हैं रात को खाते हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने किस तरह के कदम उठाए मैं जानना चाहूँगा। यहाँ के खजूरी डिवीजन के ACP हरिशन कुकरेती जी है, मैं जानना चाहूँगा सर ये किस तरह से दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है वो किस तरह का कदम है। एक तो सबसे पहले हमने अपने सारे जितने भी हमारे अधिकारी उनको हमने निर्देश दिया है कि एसेंशियल आइटम्स जो भी हैं उसकी आवाजाही न रुके, वो उनकी गाड़ियाँ चलती फिरती रहे, जितने भी ई कॉमर्स वाली सर्विसेज हैं वो चलती फिरती रहें, जो लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं फल सब्जी खाना पीना इन सब का चलता रहे, इनको कोई हिंड्रेंस ना हो। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं पर्टिकुलरली सोनिया बिहार सरावर नगर और सरयू विकास में जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो दूसरे जिलों से यहाँ पर गाड़ी के लिए आ रखे हैं, उनका केवल दिन में जितना कमाते हैं वही उसको छापो खाने की प्रॉब्लम हो रही है, वो हम उनकी वेदना हम भी समझ सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने डिफरेंट RWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली पुलिस इन सब से मिलकर हमने एक प्रयास किया है कि ऐसे लोग जो दिन में कमाते हैं, जो झाड़ी मजदूर जिनको बेसिकली हम अपने भाई बहनों को कह सकते हैं, उनको कम से कम हमारी तरफ से खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अभी फिलहाल आज से डिनर का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से को हम ये सुविधा पहुँचा पाएँ तो हम इसे पहुँचा सकें। क्या ये डिनर तक रहेगा या ब्रेकफास्ट भी होगा? देखिए अभी बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन भी हमसे जुड़ रहे हैं, RWA हमसे जुड़ रहे हैं, और जैसा जैसा आज पहला दिन था हमको कमियां पता चली, क्या क्या कमी होगी हमें पता चला कि क्या क्या हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस हिसाब को देखते हुए हम इसको लंच डिनर देखा जितना भी हो सके दिल्ली पुलिस अपने साथियों के साथ जो हमारे स्टेक होल्डर हैं RWA और जो भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं इनके साथ मिलकर हम जरूर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी मेरा भाई मेरी बहन भूखा ना हो। जी इस तरह से जैसे HP साहब ने अभी बताया है कि हमारे रहते हुए दिल्ली पुलिस के एरिया में जो भी लोग रहते हैं, हमारी एरिया में जो भी कोई लोग हैं दिहाड़ी मजदूर लोग, जो लोग दिन में अपना काम कर रहे थे और रात को अपना कमा के खा रहे थे, उन लोगों कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए, कोई बच्चा ऐसा ना मेरी एरिया में, जिस तरह से लगातार ये कवायद की जा रही है और आगे भी ये करते रहेंगे दिल्ली पुलिस का ऐसा वादा है। मेरे साथ सोनियाबेर थाने के SHO साहब हैं। SHO साहब जी बताएं जी, जिस तरह से ये कदम दिल्ली पुलिस ने जो उठाया है किस तरह से मानते हैं? उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं, सामाजिक इश्यूज को भी उठा रहे हैं। आज बड़े आपदा का टाइम है तो साहब ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि बिहार के जो माइग्रेटरी हैं, जो जा रहे लोग यहाँ से, उनके लिए लैंडलाइन नंबर एक इशू किया है और मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप है उसको पब्लिश किया है। तो ऐसे लोग यदि दिखाई देते हैं जो ग्रुप में चल रहे हैं, उन लोगों को आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, उनकी बिहार और UP पुलिस काफ़ी हेल्प कर रही है। UP में भी जिस तरह से अभी योगी जी ने निकाला है कि जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके लिए कुछ बसें इशूज की हैं, इस तरह से दिल्ली में तो कुछ ऐसा देखने नहीं आया है, लेकिन अभी भाई चलो थोड़ा पूरिया बना नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस और बिहार देखो पूरी सिग्गी होगी, दो लाइन में बड़ी शुरू है। आप देख रहे रोड पर काफी प्रवासी लोग हैं, माइग्रेटरी लोग हैं, आप संपर्क करवा सकते हैं, उन लोगों की हेल्प हो सकती है, उनको बस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा अभी आपके एरिया में इस तरह के कोई मिले हैं? हमारे ये मेन एक्चुअली मेन रोड पे जो है ना, मेन रोड पे प्रस्तुत ये ग्रुप चल रहे हैं, हमारे इस हमारा कोई लिंक है, हमारे यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं चलता दिखाई दिया। थैंक यू। जिस तरह से थाने में अभी SHO साहब ने ACP साहब ने जो बताया है और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है, ये बाल्टियां चाही हुई हैं, इस तरह के पैकेट बनाए गए हैं और डिस्टेंस रखा गया है, जो आप देख रहे हैं जो लोग लेने आ रहे हैं इनको जो दिया जा रहा है वो बड़े डिस्टेंस के हिसाब से, और पहले बहुत अच्छी व्यवस्था है जो सैनिटाइज किया गया है, सभी के हैंड वॉश कराने के, सैनिटाइज करने के बाद
और इसी के चलते जिस तरह से अभी जो देखा आपने वो इस तरह की प्रक्रिया थी जिससे एकदम मोदी जी ने जिस तरह से बोला हुआ है दिल्ली सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और सभी यहाँ थाने में लोग काम कर रहे हैं। और मैं राणा जी इस तरह से बताएं कि दिल्ली पुलिस ने आज जो कदम उठाया है कि लोगों को खाना पहुंचाने की प्रक्रिया इस मुहिम को इस लॉकडाउन के टाइम में कैसे मानता है? देखो पहले मैं आपको बताऊं, मेरे सीनियर अफसरों ने आपको बतलाया जी, फिर भी जो आदमी डेली कमाता है डेली कमाता है, उनका प्रोग्राम सारा जो है उनका रोजगार बंद होगा। उसके लिए दिल्ली सरकार भारत सरकार पहल कर रही है। उसके अलावा भी हम सोनिया विहार थाने से सीनियर अफसरान के साथ भी मिलकर, अपने स्टाफ साथ के मिलकर, SHO साहब के मिलकर और पब्लिक के लोगों से मिलकर और मीडियम के माध्यम से यहाँ पर सारा खाना उपलब्ध है, किसी को कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं। आज पहला दिन था, बारिश का मौसम हो गया, थोड़ा खाना शॉर्ट पड़ गया, वो भी बारिश के कारण। आगे से ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी, अगर सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो हम आपको सोचेंगे। जिस तरह से अभी दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बताया है जो जिस तरह से प्रोग्राम चला, लोगों के लिए खाना दिया गया, उन्हें सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया गया, उन्हें सैनिटाइज किया गया, उनका टेम्परेचर चेक किया गया, यहाँ एक चीज़ देखने में आई, दिल्ली पुलिस जो भी आ रहा था उसको एक कॉन्स्टेबल जो है उन्हें सैनिटाइज कर रहे थे और दूसरे जो है उनका टेम्परेचर चेक कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार जैसे काम कर रही है उस इस कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए, क्या वो हमारे कॉन्स्टेबल या हमारे जो अधिकारी हैं वो सलामत हैं या नहीं, इसके लिए डेली इस तरह से चेकिंग चल रही है। मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली, कैमरा पर्सन बॉबी मुद्गल के साथ।